नवभारती परिवार में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक था दार्शनिक विचारधारा में पाठ्यक्रम की भूमिका, जिसमें मैंने आपको पाठ्यक्रम के आदर्शवाद के जो उद्देश्य थे उसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पाठ्यक्रम को जब हम कोई सिद्धांत पर लागू करते हैं, अर्थात हम देखते हैं कि सबसे पहले हम उस चीज के बारे में उसकी पहचान जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार हम जिस रूप को जानना चाह रहे हैं वो आखिर रूप कौन सा है। तो इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा आपको आदर्शवाद और प्रकृतिवाद के बारे में, उनके दार्शनिकों ने उनके बारे में क्या कहा, ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। उद्देश्य मैंने बताए थे कि हम जब कोई कार्य करते हैं तो यानी कि जो इनकी भूमिका थी आदर्शवाद की, प्रकृतिवाद की, प्रयोजनवाद की, वो क्या उद्देश्य लेकर हमारे सामने उपस्थित हुए और जो उद्देश्य थे उनके उसी के आधार पर उन्होंने पाठ्यक्रम की किस तरीके से रचना करनी चाहिए। तो ये जो मैंने था आपको उद्देश्य मैंने आपको बताई थी, आदर्शवाद की, प्रकृतिवाद की भूमिका के बारे में मैंने बताया था। अब आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको पाठ्यक्रम के बारे में बताऊंगी कि जो आदर्शवाद थे, प्रकृतिवाद जो हमारे थे, इन्होंने अपने पाठ्यक्रम की किस तरीके से रचना करनी चाहिए। तो सबसे पहले था हमारा आदर्शवाद, जो मैंने आपको बताया था कि आदर्शवाद जिसमें कि व्यक्ति अपने आप को, खुद को सर्वोपरि आदर्श मानता है, या हम कहें कि हम किसी को आदर्श मानते हैं, अर्थात यह हमारे विचार प्रधानता। जो आदर्शवाद में हमने देखा था कि जो वहाँ का शासन होता है, चाहे हम कहते हैं कि ना कि वहाँ का शासन चलाना हो तब भी एक आदर्श व्यक्ति ही शासन चलाता था, यानी किसी एक व्यक्ति के हाथ में। उसी तरीके से हमारी शिक्षा की देन थी, इसमें शिक्षक जो हमारी शिक्षा थी उसमें भी यहाँ पर आदर्शवाद में शिक्षक की भूमिका प्रमुख थी, अर्थात शिक्षक को ही सर्वोपरि माना जाता था। जो इसमें सबसे बड़ी चीज थी इसके उद्देश्य वो मैंने आपको बताए थे, शिक्षा के उद्देश्य था आदर्शवाद का हमारी क्या, हमारी जो कहते हैं ना आध्यात्मिक शिक्षा लेना, अर्थात आत्म अनुभूति, आत्मा की शिक्षा लेना। हमने प्राचीन शिक्षा में यही देखा है कि जो हमारे शिक्षित होने का जो हमारा एम था वो इतना ही था इसमें आदर्शवाद के टाइम पे कि व्यक्ति स्वयं अपने आत्मा की अर्थात परमात्मा की पहचान करे। इसमें सत्यम शिवम सुंदरम का समावेश था। वो मानते थे कि हमें ईश्वर की जहाँ प्राप्ति हो गई वहाँ पर हमने पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर ली। ये था आदर्शवाद का स्वरूप। आदर्शवाद में कहते हैं कि आत्म अनुभूति थी, इसमें हमारे शिक्षक की प्रधानता थी, शिक्षक ही इसमें प्रमुख थे। अब इसमें हमने जो हमारा यहाँ इनका जो पाठ्यक्रम था वो पाठ्यक्रम भी जिस तरीके का उनका स्वरूप था, उनकी भूमिका थी, उसी के आधार पर उन्होंने अपना पाठ्यक्रम बनाया था। तो सबसे पहला इसमें था जो हमारा पाठ्यक्रम में समावेश करना चाह रहे थे वो था आदर्शों, विचारों और शाश्वत मूल्यों को मानना। शाश्वत मूल्य जहाँ मानते थे तो शाश्वत मूल्य यहाँ पर वही है सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात ईश्वर प्राप्ति यहाँ पर है, आदर्शों और विचारों को मानना। मैंने बताया था कि आदर्शवाद का यही स्वरूप था, वो सबसे पहले आदर्श को मानते थे, यानी कि जो जिस व्यक्ति के आइडल, कहते हैं ना कि हमारे सामने हमारा कोई आइडल बन जाता है या हमें किसी की बात माननी पड़ जाती है, तो यहाँ भी यही चीज थी कि आदर्शों और विचारों का समावेश था। यहाँ पर शाश्वत मूल्य जो हमारे जीवन के मूल्य हैं, हम कहते हैं कि हमें ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, हमें ईश्वर को मानना चाहिए, हम कहें हमारा ईश्वर हमारे लिए निराकार नहीं है, साकार है, उनके रूप का हमें वर्णन, तो ये सब जो चीज़ें हैं वो हमारे आदर्शवाद है, यानी शाश्वत मूल्यों की पहचान जिसमें हम हमारे ईश्वर, हमारे नैतिक कर्तव्य है इसके बारे में हमारा जानना। सेकेंड था हमारे इस जो आदर्शवाद थे उसमें हमें आखिरकार हमारे किस किस विषयों का समावेश था, तो इसमें कहते हैं कि दो रूप में जो हमारे विषय है, सब्जेक्ट है, उनका समावेश किया, जैसे गौण विषय। अब इसमें ये कहें गौण विषय इसमें क्या क्या हो गई, क्योंकि आदर्शवाद था ना, तो आदर्शवाद कहीं भी हमारे जो गौण विषय कहते हैं शारीरिक शिक्षा पर जोर नहीं था, वहाँ तो हमारी शिक्षा कौन सी थी आध्यात्मिक शिक्षा, तो वहाँ हमारी शारीरिक शिक्षा थी ही नहीं, यानी कि हम जो आज जो शिक्षा ग्रहण करते हैं या प्रकृतिवाद ने जो शिक्षा ग्रहण की उसमें कहीं ना कहीं शारीरिक शिक्षा यानी योग शिक्षा या व्यायाम जो हम करते हैं उन शिक्षाओं का समावेश, इन शिक्षाओं का वहाँ पर समावेश था, लेकिन
यहाँ आदर्शवाद थे वो इस शिक्षा को कोई महत्व नहीं देते थे, वो इस शिक्षा को नहीं मानते थे कि शारीरिक शिक्षा भी कोई शिक्षा है। तो इसी तरह से ना वो विज्ञान विषय को मानते थे क्योंकि वो तो था ही क्या आध्यात्मिक शिक्षा, कहते हैं लौकिक शिक्षा अलौकिक शिक्षा, यहाँ पर तो कहीं वैज्ञानिक को मानते ही नहीं थे, यानी वैज्ञानिक प्रवृत्तियों का यहाँ समावेश नहीं था, ना ही हम वैज्ञानिक विधि अपनाते थे। तो कहते हैं विज्ञान और गणित विषय पर जोर नहीं दिया, वह उनके लिए शारीरिक शिक्षा विज्ञान और गणित ये तीनों विषय एक गौण विषय के रूप में जो कहीं छिपे हुए, गौण का मतलब कहीं छिपा हुआ आना। तो यहाँ पर कहते हैं कि गौण विषय आदर्शवाद के लिए एक गौण एक छिपी हुई विषय थी, उसमें उनका कहीं भी वर्णन नहीं था। अगर हम देखें यहाँ पर आदर्शवाद में जो गौण विषय थी वो ये थी, लेकिन जो यहाँ पर कहते हैं हमें जो विषय हमें दिखनी चाहिए वो विषय कौन कौन सी थी, यहाँ पर हम कहें तो आध्यात्मिक शिक्षा, यानी कि हम जिन शिक्षाओं का लेना चाहते हैं। अगर हम इस चीज़ में आदर्शवाद में हम विचारों का समावेश ना करें, आध्यात्मिक शिक्षा ना लें, तो वो शिक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती थी। इन तीन शिक्षाओं का इसमें कोई भी प्रमुख स्थान नहीं था। इसी आधार पर जो हमारे दार्शनिक हुए रोस नाम था उनका, रोस ने कहा था कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो तीन क्रियाओं पर आधारित है, तीन क्रियाओं पर पाठ्यक्रम बनना चाहिए। पहला है था हमारा ज्ञान, अगर इनसे कहें सबसे पहले ज्ञान, यानी कि जिस विषय का हम ज्ञान लेना चाह रहे हैं उस विषय का हमें ज्ञान पूरा होना चाहिए। ये मानते थे कि ज्ञान वो लें हम जो कि हमें शिक्षित करें या हमें हमारे आदर्शों की पूर्ति करवाए। तो अगर आदर्शवाद है तो यहाँ का ज्ञान क्या होगा, आध्यात्मिक ज्ञान। यहाँ की जो शिक्षा है वो होगी आत्मज्ञान, आत्म अनुभूति, जिसमें कि बालक स्वयं की पहचान करे, अपनी आत्मा की अनुभूति करे, अपने ईश्वर के सामिप्य के दर्शन करे। तो यहाँ ये इस ज्ञान को मानते थे। तो ये मानते हैं कि ज्ञान होना चाहिए, जिस चीज़ का हम ज्ञान लेना चाह रहे हैं उसका ज्ञान होना चाहिए। सेकंड अनुभूति, यानी कि जो ज्ञान हम ले रहे हैं जो अनुभव कर रहे हैं तो वो ज्ञान हमें ऐसा लेना चाहिए जो ज्ञान उसने अनुभव कर लिया हो, अर्थात जब ही तो आदर्श बनेगा विचार बनेगा और हम उन विचारों का पालन करेंगे। ये मानते थे कि जिससे हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उन्होंने उस ज्ञान की पूरी तरह से अनुभव किया हो या अनुभूति की हो। ये मानते थे कि ज्ञान वो ही काम में ले हम जिसका किसी ने उपयोग में ले लिया हो, जिसका कोई अनुभविक प्रमाण हो कि हमारा ये कार्य किया हो। तो इसमें कहा गया है कि ज्ञान हमें वो ही ले जिसका अनुभव प्राप्त हो या किसी ने उसका अनुभव प्राप्त कर लिया हो। सेकंड था हमारा क्रियावादी, इसमें बताया था कि बालक जब ज्ञान प्राप्त करता है तो ज्ञान प्राप्त अनुभव के आधार पर करता है, और अनुभव के आधार पर जब वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसके बाद में वो अपनी क्रिया शुरू करता है। तो इन तीन चीज़ों का समावेश हो गया इसमें, ज्ञान अनुभूति और क्रियावादी, अर्थात क्रियाओं पर आधारित। जो ज्ञान लिया हमने, सीखा हमने, सीखने के बाद में उसको अनुभव किया हमने, अनुभव करने के बाद में हमने उसको हमारी क्रियाओं पर आधारित लिया, यानी कि हमने उसका कार्य करना शुरू कर दिया। तो ये हमारे आदर्शवाद के पाठ्यक्रम की जो विशेषता है वो हमारे पाठ्यक्रम का इस तरीके का होना चाहिए। ये स्वरूप था हमारे पाठ्यक्रम का कि हमारे आदर्शवाद में पाठ्यक्रम का स्वरूप ये होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा प्रकृतिवाद, जो प्रकृतिवाद के लिए मैंने आपको बताया था कि आदर्शवाद का बिल्कुल अपोजिट प्रकृतिवाद था, जहाँ आदर्शवाद में हमने देखा कि शिक्षक प्रधान था, लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं प्रकृतिवाद में हमारे जो भी दार्शनिक हुए प्रकृतिवाद में उन्होंने बालक को एक स्वतंत्र छोड़ने का आदेश दिया। कहते हैं कि जब तक बालक खुद स्वतंत्र नहीं रहेगा प्रकृति के समीप तो वो अपना कार्य नहीं कर सकेगा, अर्थात वो प्रकृति के समीप उन्होंने इसको इनको आज़ाद छोड़ा कि प्रकृति के समीप जाएं, जो कार्य करें वो प्रकृति के द्वारा सीखें, अर्थात यानी जो कार्य करेंगे वो अगर उनकी कुछ गलती होती है तो उन्हें वो रिजल्ट नहीं मिलता, अर्थात वो स्वतंत्र छोड़ना चाहते थे इसमें। इसीलिए इसको हम कहें जहाँ यहाँ शिक्षक केंद्रित था यहाँ बाल केंद्रित था, अर्थात यहाँ बालक को सर्वोपरि माना जाता था ना कि शिक्षक को। कहते हैं कि पहले की जो शिक्षा प्रकृतिवाद में हुई वो खुले वातावरण में प्रकृति के समीप हुई। कहते हैं कि जब शिक्षा जब वहाँ के स्कूलें खोले गए या कहते हैं हम विद्यालय खोले गए तो वो ऐसी जगह खोले गए जहाँ पर खुला वातावरण,
अर्थात ना कोई भवन निर्माण था, ना वहाँ पर कोई कहते हैं गुरुकुल स्थापना थी, अर्थात एक कहते थे कि एक प्रकृति के समीप जाकर वहाँ पर चाहे बच्चे अपने पेड़ के नीचे अपनी शिक्षा ग्रहण करते थे, लेकिन वो प्रकृति के समीप जाते थे। इनका मानना था कि जितना बच्चा खुद करके सीखेगा वो प्रकृति के समीप रहेगा, प्रयोग करके सीखेगा उतना बच्चा जल्दी सीखेगा। ये प्रकृतिवाद की पहचान थी। प्रकृतिवाद की मैंने लास्ट वीडियो में आपको एग्जाम्पल भी दिया था अपने रविन्द्रनाथ टैगोर का, जिन्होंने यहाँ शांति निकेतन की स्थापना की थी, और शांति निकेतन इन्होंने इसी के आधार पर, प्रकृतिवाद के आधार पर स्थापित की थी। इसमें सबसे पहला जो पाठ्यक्रम का स्वरूप था कि उन्होंने कि उन्हें किस तरीके का पाठ्यक्रम बनाना था, तो फर्स्ट था उनकी बालक की प्रकृति की, यानी कि बालक अपनी जो प्रकृति जो उनका नेचर, यानी कि हमारी उन बालक का स्वयं का स्वभाव, उसकी प्रकृति नेचर। कहते हैं ना कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो सबसे पहले हमारा नेचर काम में आता है, अर्थात हमें उस कार्य करने में इंटरेस्ट है या नहीं ये हमारा नेचर बताता है, या हम वो कार्य कर सकते हैं। कहते हैं किसी किसी का नेचर ये होता है कि हम कितना भी समझाएं लेकिन वो किसी चीज़ को नहीं समझते। अगर किसी बच्चे का स्वभाव ऐसा भी हो सकता है कि वो देख कर ही सीख जाते हैं उसे अपने स्वभाव में, यानी कि उनका नेचर, ये दो बच्चों का नेचर अलग अलग हो गया, एक कहने से ना माने एक स्वयं देख कर सीख जाए, तो ये उनका नेचर है, प्रकृति है कि वो किस तरीके का। तो इसमें वही चीज़ बताई है कि जो यहाँ का पाठ्यक्रम है वो प्रकृति अर्थात बालक की नेचर के अनुसार, और दो तरीके के जब बालक हैं तो दोनों की प्रकृति के आधार पर पाठ्यक्रम की रचना होनी चाहिए। सेकंड था इसमें रुचि और योग्यता अर्थात बच्चों का इंटरेस्ट। हम देखें कि बच्चों का किस विषय में किस क्षेत्र में इंटरेस्ट है ये देखते हुए हमें पाठ्यक्रम बनानी चाहिए। योग्यता कि उनकी मानसिक और शारीरिक योग्यता कैसी है। आज जो पाठ्यक्रम हमारा बना है वो कहीं ना कहीं प्रकृतिवाद की भी देन है कि हम जो पाठ्यक्रम बना रहे हैं वो हम बच्चों के शारीरिक और मानसिक योग्यता के आधार पर पाठ्यक्रम बनाते हैं। इंटरेस्ट के आधार पर हम देखते हैं कि ये योग्यता क्या हो गई हमारी, कक्षा स्तर। हम बच्चों की जो मानसिक स्तर है उसको कक्षा स्तर के अनुसार हम डिवाइड करते हैं और उसी के आधार पर हम हमारे पाठ्यक्रम बनाते हैं। तो इसमें तीनों बिंदुओं का समावेश है, बालक की प्रकृति यानी नेचर, रुचि और योग्यता, इन तीनों का इसमें समावेश है। दूसरा है इसमें इन्होंने जहां हमारे कहते हैं कि गौण विषय, यहां पर हमारा गौण विषय थे तीनों, लेकिन यहां पर हमारी दो भागों में जो बांटा इन्होंने वो था वैज्ञानिक विषय और मानवीय विषय। यहां पर मानवीय विषयों को गौण स्थान दिया और वैज्ञानिक विषयों को इन्होंने प्रमुखता दी, क्योंकि जो वैज्ञानिक विषय थे वो ही हमारे किस पर आधारित थे, विज्ञान पर, और विज्ञान हमेशा हमने देखा है कि बालक के प्रयोग पर छूट देता है, अर्थात बाल क्रिया पर जोर देता है कि बच्चा स्वयं सीखे, प्रयोग के आधार पर सीखे। तो प्रकृतिवाद उसके हमेशा वो रहे हैं कि प्रकृतिवाद हमेशा उस चीज़ को माना है उन्होंने जहाँ पर बालक को अगर कोई क्रिया करने के लिए दी जाती है, बालक के ऊपर कोई कार्य छोड़ा जाता है, वो प्रकृतिवाद उसके समर्थक थे। वो मानते थे कि जितना हो सके हमें बच्चों पर इस चीज़ को छोड़नी चाहिए कि बच्चे उस कार्य को सीखें। तो इसमें जो वैज्ञानिक विषय थी उनका कौन कौन सी थी, सबसे पहले खेलकूद। अगर प्रकृति के समीप है तो हम ऑब्वियसली इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि बच्चे पढ़ेंगे भी और खेलेंगे भी। अगर हम कहें कुछ चीज़ हम प्रकृति के समीप जाते हैं तो जहाँ हम देखें एक बच्चे को हमें किसी फ्रूट का या फलों का नाम बताना है, हम कह दें बच्चे को ये आम है, लेकिन प्रकृति अगर यहाँ आदर्शवाद होता तो आदर्शवाद में हम सिर्फ नाम बना के बता के दूर होते, उसके स्वभाव, उसका रंग, उसके टेस्ट के अनुसार। लेकिन प्रकृतिवाद में क्या था कि चाहे बच्चे को उस पेड़ के नीचे लेके जाया जाए, उस पेड़ पे से फल तोड़ के दिखाया जाए, तो कहते हैं कि ये एक खेल पर समर्थित, यानी कि ये एक खेलकूद, कहते हैं प्रकृतिवाद था वो हमारे खेल पर भी आधारित है, वो खेलकूद पर जोर देते थे कि बच्चे जितना खेलेंगे जितना उतनी ही, कहते हैं कि यहाँ पर पढ़ाई भी खेल खेल में सिखाई जाती थी। आज भी हमने देखा है इसी आधार पर जो हम आज पाठ्यक्रम बनाते हैं बच्चों का, देखते हैं हम बच्चों को कविता के रूप में, कहानी के रूप में, बच्चों को हम कहते हैं गायन के रूप में, हम एक ग्रुप बना के आज के टाइम पे जो हम सिखाते हैं वो कहीं ना कहीं हम इन विधियों का भी हम प्रयोग करते हैं और इन विधियों का उसमें समावेश है। तो वैज्ञानिक विषय का प्रमुखता थी, खेलकूद, शारीरिक विषय, इन सब चीज़ों का यहाँ पर समावेश था। सेकेंड है हमारी मानवीय विषयों का, यहाँ पर जो
हमारे विषय थी मानवीय विषय, उनका यहाँ पर कोई स्थान नहीं था या कहें कि उनका एक गौण बहुत कम या छुपा हुआ स्थान था, जैसे भाषा, साहित्य, जो कहते हैं सामाजिक अध्ययन, इतिहास, कला, ये सब चीज़ों का बहुत कम स्थान था उसमें, कि है ना। इन चीज़ों को वो जहाँ तक कहते हैं कि जितना ये बच्चों को करके सीखने के लिए खेल कूद पर जितना जोर देते थे, वैज्ञानिक विषयों पर या वैज्ञानिक विधियों पर जितना जोर देते थे, इतना ये हमारी मानवीय विषयों पर जोर नहीं देते थे। वो उपन्यास, साहित्य, भाषा से संबंधित, इनके लिए वो बच्चों को कोई एग्जाम्पल प्रस्तुत नहीं कर पाते जो उनको प्रत्यक्ष दिखाएं, तो वो इस चीज़ को एक गौण स्थान देते थे। ये मानते थे प्रकृतिवाद कि बच्चों को जो सिखाया जाए उसे बच्चों को प्रत्यक्ष दिखाया जाए। तो ये हमारे प्रकृतिवाद की देन थी कि वो इस तरीके का पाठ्यक्रम बच्चों को चाहते थे। इसके बाद में हमारा प्रयोजनवाद, जो हमारा प्रयोजनवाद पहले भी मैंने कहा था, जिस तरह से प्रकृतिवाद है उसी तरह से प्रयोजनवाद है, यानी कि हम जो आज के मेथड, जो टेक्निक यूज में ले रहे हैं, टेक्निक मीन्स जो विधियां हम यूज में ले रहे हैं, उन विधियों का जो समावेश, जो विधियों का निर्माण शुरू हुआ, वो प्रयोजनवाद की देन थी। हम कहें कि प्रकृतिवाद ने हमें रास्ता दिखाया, तो प्रयोजनवाद ने उस रास्ते को हमें बनाना शुरू कर दिया कि इस रास्ते पे आखिरकार हमें किस तरीके से चलना है। इन्होंने रास्ता दिखाया, इन्होंने हमारा मार्गदर्शक किया, हमें बनाना सिखाया कि जो रास्ता है उसमें हमें आगे किस तरीके से बढ़ना है। जो हम कहते हैं कि आज जो हम विधियाँ अपनाते हैं, वैज्ञानिक विधियाँ, प्रयोग विधि, प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि, तो ये सारी विधियाँ किसकी देन है? हमारी प्रयोजनवाद की। ये जो सारी हमारे पढ़ने में या पढ़ते हैं, पढ़ाने में, बच्चों को सीखने में टीचर जिन विधियों का समावेश करता है, वो विधियाँ हैं हमारी प्रयोजनवाद की देन। इसमें कहते हैं कि प्रयोजनवाद जो पाठ्यक्रम बनाता था, वो पाठ्यक्रम था सबसे पहला उपयोगिता और रुचि और इस और अनुभव का एकीकरण, वो इन चीज़ों का समावेश चाहता था। उपयोगिता यानी कहते थे, प्रयोजनवाद भी कहता है या हम भी कहेंगे कि हमेशा मनुष्य की जो प्रवृत्ति है वो होती है आवश्यकता आविष्कार की जननी, अर्थात अगर हमें आवश्यकता नहीं होगी तो हम उस कार्य को नहीं करेंगे। तो प्रयोजनवाद का मानना था कि जब तक हमें उपयोगिता के बारे में नहीं पता चलेगा कि हमें किस कार्य की, हमें किस जगह आवश्यकता है, तब तक हम उस कार्य को नहीं करेंगे। तो ये सबसे पहला जो पाठ्यक्रम बनाए वो उपयोगिता के आधार पर, अर्थात हमें पाठ्यक्रम ऐसा बनाना है कि वो हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो, अर्थात वो हमारे लिए काम आए। यानी जब तक हमें किसी चीज़ की आवश्यकता या उपयोग हमें पता नहीं चलेगा, हम उस कार्य को नहीं करेंगे। इसीलिए प्रयोजनवाद ने कहा था कि हमें किसी भी कार्य को बनाने के लिए सबसे पहले उसकी उपयोगिता पर जोर देना है कि वो जो हम सीख रहे हैं वो हमारे लिए उपयोगी है या नहीं, और उपयोगी होगी तभी हमारा उसमें क्या जागृत होगा, इंटरेस्ट यानी रुचि। कहते हैं बच्चों को जब तक उपयोगिता पता नहीं चलोगी तो उपयोगिता के बिना बच्चे की उसमें इंटरेस्ट जागृत नहीं होगी। तो वो मानते थे कि उपयोगिता के साथ साथ हमें उसकी रुचि और इंटरेस्ट पर भी ध्यान देना है। और फिर था इसमें अनुभव, कि हमने जब उपयोगिता सिद्ध की उसकी कि ये हमारे लिए है, रुचि जागृत की, उसके बाद में हम या तो किसी के अनुभव लेते हैं या हम स्वयं उस कार्य को करके और अनुभव प्राप्त करते हैं। तो इन तीनों चीज़ों का एकीकरण किया था प्रयोजनवाद ने। सेकंड है बाल केंद्रित, जिस तरीके से हमारे बालक की प्रकृति पर था ये, उसी तरह से आज का जो पाठ्यक्रम है हमारा बाल केंद्रित, वो प्रयोजनवाद की देन थी। इसमें पाठ्यक्रम को बालक पर केंद्रित किया है, जिस तरह से पहले शिक्षक पर, आदर्शवाद ने शिक्षक पर किया है, लेकिन जो हमारा प्रकृतिवाद है उन्होंने बालक पर, और जो प्रयोजनवाद है वो भी हमारे बालक पर, साथ में बालक के साथ साथ पाठ्यक्रम पर भी जोर दे दिया इन्होंने कि हमारा पाठ्यक्रम इस तरीके का होना चाहिए, अर्थात यहाँ पर हमारा पाठ्यक्रम कैसा होगा, बाल केंद्रित, जो बालक पर फोकस करें, बालक की उपयोगिता पर ध्यान दें, ये हमारे पाठ्यक्रम की विशेषता है प्रयोजनवाद में। सेकंड जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, वो कहा गया है सामाजिक विषयों का और वैज्ञानिक विषयों का इसमें समावेश। हमने यहाँ पर जहाँ देखा था प्रकृतिवाद में कि हमारे यहाँ पर वैज्ञानिक विषयों का समावेश था लेकिन मानवीय विषयों का समावेश नहीं था, और जो हमारे प्रयोजनवाद है उन्होंने हमारी सामाजिक
सामान्य विषय अर्थात मानवीय विषय और वैज्ञानिक विषय, इन दोनों का इसमें समावेश किया इन्होंने। इन्होंने अगर हम वैज्ञानिक विषय देखें, हम जो भी है स्वास्थ्य शिक्षा हमारी जो है शारीरिक शिक्षा और हम देखें इतिहास ज्योग्राफी, इन सब चीज़ों का इन्होंने समावेश किया था। अर्थात ही नई नई इतिहास के लिए इन्होंने अलग शिक्षण विधि काम में ली, हिंदी के लिए साहित्य के लिए इन्होंने अलग विषयों का चयन किया, यानी प्रत्येक के लिए इन्होंने अलग अलग विषयों का चयन किया। हम कहते हैं कि इतिहास के लिए उन्होंने भ्रमण विधि यूज में ली, जिससे कि बच्चा बाहर घूम के देख के इतिहास के बारे में जान सके। साहित्यिक विषयों के लिए हम कहें कि उन्होंने साहित्य में भाषा के लिए उन्होंने अलग आगमन निगमन विधियों का, संश्लेषण विश्लेषण विधियों के लिए, विज्ञान के लिए उन्होंने, गणित के लिए उन्होंने नई नई विधियों का प्रयोग किया। ये विधियों का वर्णन मैं आगे आपको अलग से जो हमारी यूनिट आएगी उसमें मैं आपको पूरा बताऊंगी। और लास्ट में हम कहें इसमें जॉन डीवी, जहां हमारे इसमें रोज थे उसी से इसमें जॉन डीवी जो प्रयोजनवाद के समर्थक थे, ये हमने हमेशा बताया है। उनकी जो पाठ्यक्रम में उनका समावेश था वो तीन बिंदुओं पर था, विचार अर्थात हम बालक के विचार जाने कि पाठ्यक्रमों में क्या कहते हैं, जो हम कह रहे हैं पहले बाल केंद्रित, विचार का मतलब बाल केंद्रित, यहाँ पर बालक का विचार। सेकंड जिज्ञासा कि बच्चे की किस तरीके की जिज्ञासा, यानी पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए ना जो हमें जिज्ञासा जागृत करे, हम उस चीज को सीखने की कोशिश करें जहाँ इसका उपयोगिता का नाम दे सकते हैं, अर्थात हमारे लिए ऐसा वातावरण पैदा करे, ऐसा उपयोगिता सिद्ध करे कि हम उसको ढूंढने की कोशिश करें। ये जिज्ञासा हो गई, यानी कि विचार अगर हम चाहें तो यहाँ हम उसे हमारे विषय भी दे सकते हैं कि विषय ऐसा हो जिसमें बालक जिज्ञासु बने, बालक उसको जानने की कोशिश करे। फिर आता है कि जब बच्चा जानता है तो उसके लिए कुछ कलात्मक कार्य भी करता है, उसे ढूंढने की कला दिखाता है अपनी। अब वो कला उसकी कौन सी हो सकती है, कहते साहित्यिक कला भी हो सकती है, उसकी वैज्ञानिक कला भी हो सकती है, उसकी कोई सी भी कला हो सकती है जिसको हम यहाँ पर देते हैं वैज्ञानिक विधियाँ या मानवीय विधियाँ, वो कोई सी भी कला उसके अंदर हो सकती है। कहते हैं अगर वो हिंदी से साहित्य से संबंधित होगा तो वो साहित्य विधियाँ काम में लेगा, अगर विज्ञान से संबंधित होगा वो विज्ञान से संबंधी लेगा, अर्थात यहाँ पर उसकी ये कला रहेगी शिक्षा पढ़ाने की, उसको विषय के अनुसार अपनी कला का प्रदर्शन करना रहेगा। फिर आता है रचनात्मक कि जब हम कला करते हैं तो उसके लिए हमारी क्रिएटिविटी होनी जरूरी होती है, उसके लिए हमारा क्या जरूरी है सृजनात्मक कार्य है जो हम उसके लिए कर सके। हम कहते हैं कि हमारी जो विभिन्न आज हमारा रचनात्मक कार्य होता है कि हम जब सब्जेक्ट लेते हैं, विधियों का प्रयोग करते हैं, उसके बाद में हम विभिन्न मॉडलों का प्रयोग करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, कि हमारे जितना देखा है बच्चों के लिए जितना अट्रैक्टिव होगा वो चीज़ पढ़ाना, जिस तरीके से कहते हैं एक तो हम सिंपल नोट्स के द्वारा पढ़ाएं या हम कोई बच्चे को ब्लैक बोर्ड पर नक्शा या हम चित्र बनाकर कोई क्रिएटिविटी कार्य करके द्वारा हम बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे उस चीज़ को जल्दी सीखेंगे। तो इसमें वही चीज़ों का समावेश है कि सृजनात्मकता दिखाई देगी कि किस तरीके से कार्य होगा। तो ये हो गया हमारा प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद के बाद में आता है हमारा यथार्थवाद। यथार्थवाद के लिए मैंने कहा था कि यथार्थवाद संबंधित है हमारा व्यक्ति जो किसमें विश्वास रखे, हमारे समाज में। ये यथार्थवाद जो मैंने कहा था कि स्थूल जगत का स्वरूप है अर्थात यथार्थ है सत्य है, जो हमारे आसपास मूर्त रूप से हमें दिखाई दे वो स्थूल जगत के लिए है। तो स्थूल जगत में सबसे पहला क्या होगा, अगर हम देखें कि मनुष्य का स्थूल मूर्त आवश्यकताएं हम देखें तो क्या है उसकी उपयोगिता, रोटी कपड़ा मकान, ये सत्य है, ये यथार्थ है कि इसके बिना मनुष्य का जीवन नहीं चल सकता, या हम कहें मनुष्य इसके बिना जीवित नहीं रह सकता। तो वही यथार्थवाद के पाठ्यक्रम में है कि प्रयोजनवाद में हम इन विधियों को काम में लेंगे, यथार्थवाद ने इस चीज को माना है कि हमारा जो उपयोगिता है हमारी आवश्यकता है, जैसे कि हमारे रोटी कपड़ा मकान इन चीजों की हम किस तरीके से प्राप्त करते हैं, यानी यहाँ पाठ्यक्रम हमारा जीविका का साधन के रूप में आ गया। यहाँ पर विज्ञान स्वरूप और यहाँ आ गया हमारा खुद का आवश्यकता। कहते हैं कि यहाँ हमने सिर्फ विचारों की प्रधानता दी किसी दूसरों के विचारों पर, यहाँ हमने प्रकृति को महत्व दे दिया, प्रकृति के बाद प्रयोजनवाद में थोड़े विज्ञान का समावेश कर लिया,
प्रकृति और विज्ञान का। लेकिन यथार्थवाद यथार्थ अर्थात वो सत्य है, तो सत्य क्या है? मनुष्य। और मनुष्य अगर सत्यता पर आता है तो सबसे पहले वो अपना जीवन यापन करने की सोचता है। सबसे प्रमुख सत्य अगर आज के टाइम पे है तो वो है हमारा जीवन यापन। तो इसमें जो पाठ्यक्रम बनेगा तो ऑब्वियसली पाठ्यक्रम यही बनेगा कि जो पाठ्यक्रम हमने पढ़ा है उसको हम हमारे आजीविका के साधन में काम में कैसे लेंगे। तो यहाँ की जो उपयोगिता है पाठ्यक्रम की, वो उपयोगिता सबसे पहले उपयोगिता और आवश्यकता क्या होगी, हमारे पाठ्यक्रम को हमारे जीविकोपार्जन का साधन कैसे बनाएं। ये यथार्थवाद की देन थी। वो मानते थे कि हमें किस तरीके से हमें दैनिक जीवन में उपयोगी लेना है, ये पाठ्यक्रम की देन थी। तो अगर सिंपल सामान्य सामान्य रूप में हम देखें तो ये हमारा पाठ्यक्रम आजीविका के साधन पर जोर देता है कि जो पाठ्यक्रम हमने सीखा है उसे हम आगे अपने जीवन में किस तरह से उपयोगी बना सकते हैं। नेक्स्ट है अस्तित्ववादी। अस्तित्ववादी यानी कि पाठ्यक्रम अस्तित्ववादी किसमें था? ये मानते थे अस्तित्ववादी व्यक्ति को अनोखा। यहाँ अस्तित्व है व्यक्ति का, व्यक्ति का अस्तित्व। व्यक्ति का अस्तित्व कैसा होगा? या तो अनोखा होगा या व्यक्ति कुछ करने लायक नहीं होगा। अगर वो कुछ करेगा नहीं तब भी वो अनोखा होगा, और बहुत अच्छा करेगा तो वो भी अनोखा होगा। तो इसमें अस्तित्ववाद में वही व्यक्तियों का अनोखापन इसमें बताया गया है कि अस्तित्ववाद व्यक्ति की देन है श्रम की, कि उसमें आखिरकार ऐसे कौन से गुण छुपे हुए हैं कि वो उस कार्य को कर सके। तो इसमें बताया गया है कि वो प्रस्तावना की आस्था, कहते हैं ना पाठ्यक्रम की प्रस्तावना, पाठ्यक्रम की प्रस्तावना क्या है, पाठ्यक्रम क्या कहना चाह रहा है। जैसे हम कहते हैं पाठ्यक्रम की प्रस्तावना में स्वरूप बताया था पाठ्यक्रम का, कि पाठ्यक्रम का औपचारिक अनौपचारिक स्वरूप। अगर हम कहें पाठ्यक्रम का जो रूप था वो था कि पाठ्यक्रम प्राचीन में कुछ और था और नवीन में, ये इन चीज़ों को नहीं मानते थे। ये मानते थे कि पाठ्यक्रम कैसा भी हो लेकिन उसमें व्यक्ति ही सर्वोपरि होता है, व्यक्ति ही अनोखा होता है, कि उसे किस दिशा में लेकर जाता है, ये हमारे अस्तित्ववादी मानते थे। इसमें बताया था कि वो किसी प्रस्तावना में अर्थात किसी स्वरूप आकार में विश्वास नहीं करते थे। छात्र उपस्थिति के अनुसार वो उन विधियों का, मानवीय विधियों का इसमें प्रयोग करते थे और वैज्ञानिक विधियों का नहीं। अगर वो विज्ञान को नहीं, ज्यादा मानव को, क्योंकि ये अस्तित्ववाद है, मानव की आवश्यकता पर आधारित है, मनुष्य की आवश्यकता पर, मनुष्य की आवश्यकता क्या है उस पर ये आधारित है। इसमें कहते हैं दुख हुआ, चिंता हुई, घृणा हुई, ये इन सब चीजों का इसमें समावेश होता था। वो मानते थे कि जो मानव उसका स्वभाव होता है, व्यक्ति अनोखा है तो किसी के प्रति अगर कार्य अच्छा होगा, कोई हमारी हेल्प करेगा तो हम क्या करेंगे उससे, मतलब हम उसकी तारीफ करेंगे। लेकिन अगर वही व्यक्ति हमारा साथ ना देगा, वही चीज़ हमें काम में नहीं आएगी तो हम घृणा करेंगे, हम सोचेंगे, चिंता करेंगे कि हमें कार्य किस तरह से करना है, हमें ऐसा क्या कार्य करना है कि हम उसे आगे बढ़ा सकें। दुख सुख ये सब मानवीय गुणों का इसमें समावेश है। तो कहते हैं कि इसमें मानवीय गुणों का, मानवीय विधियों का इसमें समावेश है। तो आज की जो हमारी वीडियो थी उसमें मैंने आपको दार्शनिक विचारों की पाठ्यक्रम की भूमिकाओं का वर्णन किया है। इसमें मैंने आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद और अस्तित्ववाद के बारे में मैंने आपको बताया है। तो ये पाठ्यक्रम में हमारी इनकी क्या भूमिका है, इन पाठ्यक्रम बनाने में, ये हमने आज पूरी वीडियो में देखा है। धन्यवाद।